आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर, तो उत्तराखंड में कोरोना के 136 नए मामले सामने आए जबकि 4 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 53, उत्तरकाशी में 22, टिहरी में 14, ऊधम सिंह नगर में 11, रुद्रप्रयाग में 10, हरिद्वार में 9, चंपावत में 5, पौड़ी व पिथौरागढ़ में 4, नैनीताल में 3, चमोली जिले में 1 संक्रमित मिला। प्रदेश में 24 घंटे में 4 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया जबकि टिहरी जिले में 5 मरीजों की मौत बैकलॉग की है। अब तक प्रदेश में 7,035 मरीजों की मौत हो चुकी है, वहीं 206 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। ब्लैक फंगस के 5 नए मामले, एक की मौत। तो प्रदेश में रविवार को ब्लैक फंगस के 5 नए मरीज मिले जबकि एक मरीज की मौत हो गई। कुल मरीजों की संख्या 451 हो गई है जबकि 77 मौतें हो चुकी हैं। कल से 5 दिन खुलेंगी दुकानें, चारधाम यात्रा 1 जुलाई से। तो प्रदेश सरकार ने कोविड कर्फ्यू में ढील देते हुए चारधाम यात्रा को चरणबद्ध ढंग से खोलने का फैसला कर लिया है। पहले चरण में 1 जुलाई से जिला स्तर पर स्थानीय लोगों के लिए सशर्त यात्रा खोली जाएगी। 11 जुलाई से प्रदेश के सभी लोग चार धामों के दर्शन कर सकेंगे। चार धाम यात्रा के लिए RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। प्रदेश सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने मुख्यमंत्री नरसिंह रावत के अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णयों में जानकारी दी। सरकार ने 22 जून की सुबह 6 बजे से 29 जून तक कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया है। कर्फ्यू में कई तरह की ढील दी गई है। अब बाजार सप्ताह में 5 दिन यानी सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे। अभी तक बाजार 3 दिन खुल रहा था, अब हफ्ते में केवल शनिवार और रविवार को ही दुकानें बंद रहेंगी। 50% क्षमता के साथ निजी व सरकारी कार्यालय खुलेंगे। तो लंबे समय के बाद अब सभी सरकारी और अर्धसरकारी निजी कार्यालय खोले जाएंगे। सभी कार्यालय 50% क्षमता के साथ खुलेंगे जबकि आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। ये रहेंगे बंद तो शैक्षणिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान, सामाजिक राजनीतिक खेल गतिविधियाँ, मनोरंजन, शैक्षिक समारोह, ये सब बंद रहेंगे। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के लिए जांच रिपोर्ट होगी मान्य। तो बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले लोगों को अधिकतम 72 घंटे पहले की RT-PCR, TrueNet, CBNet या रैपिड एंटीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय व ढाबे सशर्त खुलेंगे। तो होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय व ढाबों को केवल 50% क्षमता के साथ डाइनिंग के संचालन की अनुमति दी गई है। नगरीय क्षेत्रों में होटल, रेस्टोरेंट व भोजनालय रात 10 बजे तक खुलेंगे और इसके बाद सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। प्रदेशवासियों के लिए चारधाम यात्रा 11 से, तो चारधाम यात्रा 1 जुलाई से चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लोगों के लिए खोल दी गई है। चमोली जिले के लोग बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग के लोग केदारनाथ और उत्तरकाशी के लोग गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन कर सकेंगे। 11 जुलाई से पूरे उत्तराखंड के लिए यात्रा खुलेगी। गंगा दशहरा पर हरिद्वार में उमड़े श्रद्धालु। तो गंगा दशहरा पर हरिद्वार में हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा की पूजा अर्चना करके डुबकी लगाई। योग पर सुबह 6 बजे PM का संबोधन। तो PM नरेंद्र मोदी योग दिवस पर सोमवार सुबह 6 बजे संबोधित करेंगे। कोरोना से मौत पर मुआवजा संभव नहीं, सरकारें पहले से दबाव में। तो केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोरोना से मृत्यु पर प्रभावित परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देना संभव नहीं है। सरकार के संसाधनों की भी एक सीमा होती है। हर मृतक के परिजनों को अनुग्रह राशि देना राज्य सरकार की वित्तीय सामर्थ्य से परे है। कर राजस्व में कमी और महामारी से स्वास्थ्य खर्च में वृद्धि के कारण केंद्र व राज्य सरकारें पहले से वित्तीय दबाव में हैं। मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। शांति कुंज स्वर्ण जयंती पर डाक टिकट जारी। तो शांति कुंज स्थापना की स्वर्ण जयंती वर्ष पर केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वर्चुअल कार्यक्रम में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया है। आज भी कई जिलों में तेज बारिश के आसार। तो प्रदेश के पहाड़ी जिलों में आज भी तेज बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान के मुताबिक गढ़वाल के उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा कुमाऊं के बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी ठीक ठाक बारिश की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल रविवार का दिन लगभग पूरे प्रदेश में राहत लेकर आया। शनिवार को गढ़वाल और पहाड़ी जिलों और कुमाऊं के सीमांत जिलों में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। DIMT के चेयरमैन व कोषाध्यक्ष गिरफ्तार।
तो SIT ने सेला को स्थित देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के चेयरमैन और कोषाध्यक्ष को मेरठ से गिरफ्तार किया है। उफनाई बाढ़ गंगा ने तटबंध तोड़ा, 57 लोगों को बचाया, तो रुड़की से खबर आई है। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में हो रही झमाझम बारिश के चलते गंगा के बाद सहायक नदियां भी उफान पर आ गई हैं। रविवार को बाढ़ गंगा के तेज बहाव में जहां शेरपुर बेला के पास तटबंध को ध्वस्त कर दिया, तो वहीं खेती करने गए 57 किसान बाढ़ में फंस गए। इनमें 39 पुरुष, 11 महिलाओं और 7 बच्चे शामिल थे। मार्च 2022 तक नौकरी पाने वालों को सरकार देगी PF। तो केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत योजना की अवधि चालू वित्त वर्ष की समाप्ति तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसके तहत संगठित क्षेत्र में रोजगार पाने वालों के भविष्य निधि खाते में नियोक्ता की ओर से 2 साल तक सरकार अंशदान करेगी। सरकारी नौकरी पर भारी सरकारी तंत्र, तो प्रदेश में पंचवर्षीय योजना की तरह चल रही है समूह गौ स्तर की प्रतियोगी परीक्षाएँ। तो युवाओं की सरकारी नौकरी की आस पर सरकारी लेट लपेटी भारी पड़ने लगी है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा की बात करें तो करीब 4 साल बाद भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होने से आवेदन करने वाले युवाओं का भविष्य अधर में है। इन युवाओं की उम्र भी निकलती जा रही है। इसके अलावा LT समेत 6 से ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाएं भी लटकी हुई हैं। उत्तराखंड फॉरेस्ट भर्ती प्रक्रिया पंचवर्षीय योजना बनने के साथ सबसे ज़्यादा समय तक चलने वाली परीक्षा का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुकी है। साल 2017 में फॉरेस्ट गार्ड के 1218 पदों के लिए सरकार ने विज्ञप्ति जारी की थी। कई नियमावली संशोधन तो कभी विज्ञान विषय की वैधता खत्म करने के चलते सरकार ने दोबारा विज्ञप्ति निकाली। 16 फरवरी 2020 को किसी तरह 1.25 लाख अभ्यर्थियों ने फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए परीक्षा दी। इस बीच पेपर के कुछ सवाल सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। आयोग पर सवाल उठे तो 2021 में 57 अभ्यर्थियों के लिए दून में दोबारा परीक्षा कराई गई। करीब 4 वर्ष के इंतजार के बाद 9 मार्च को परिणाम जारी किया गया, लेकिन अब 3 महीने से ज़्यादा समय बीतने के बाद भी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी नहीं किए गए हैं। इससे युवाओं में नाराजगी है। युवाओं का कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उम्र बीत जाएगी और नौकरी नहीं लग पाएगी। रिजल्ट के 1 साल बाद भी नहीं मिली ज्वाइनिंग, तो कुमाऊं मंडल बेरोजगार संघ अध्यक्ष राजेश चंदोला का कहना है कि हाई कोर्ट में आशुलिपिक, व्यक्तिगत सहायक और लेखालिपिक के 250 से ज़्यादा पदों पर जून 2020 में रिजल्ट घोषित हो चुका है। 1 साल बीतने के बाद भी इन युवाओं की तैनाती नहीं हुई। बंद दरोगा भर्ती परीक्षा को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है। परीक्षा कैलेंडर तय नहीं होने से युवाओं को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न विभागों में स्टाफ टोटा होने के बावजूद इन पदों को भरने के लिए सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है। वहीं UK SSC के सचिव संतोष बड़ोनी ने सहायक लेखाकार और LT की परीक्षाएँ जुलाई में कराने को कहा है। तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती प्रक्रिया की फिजिकल प्रक्रिया अगले माह में शुरू होने की उम्मीद है। जल्द इनके एडमिट कार्ड जारी की जाएंगे। कोरोना के चलते कई परीक्षाएं नहीं हो सकी हैं। 1 लाख से अधिक आवेदकों वाली परीक्षाओं को कराने में दिक्कत आ रही है। इन परीक्षाओं को 50,000 बच्चों के ग्रुप बनाकर परीक्षा कराई जाएगी। अलग अलग परीक्षाओं के लिए करीब 4 लाख युवाओं ने आवेदन किया है। सब ठीक रहा तो सहायक लेखागार और LT की परीक्षा जुलाई में ही करा दी जाएगी। तो देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर जो LT परीक्षा की जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए जरूरी खबर है। ये जो परीक्षा है सहायक लेखाकार और LT की परीक्षा, ये जुलाई में करा दी जाएगी। PCS लोअर PCS भर्ती 4 साल से नहीं आई है। वहीं अब ऑनलाइन परीक्षा कराने का भी विकल्प, तो UK SSC ने दिसंबर 2020 में कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा कराई थी। पहली परीक्षा सहायक कृषि अधिकारी के लिए कराई गई थी, फिर रेशम विभाग पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए परीक्षा को भी ऑनलाइन कराया गया। अब आयोग के पास ऑनलाइन परीक्षा कराने का विकल्प खुला है। ये भर्ती परीक्षाएँ लंबित हैं, तो बंद दरोगा के 316 पद, कनिष्ठ सहायक के 751, BDO BPDO के 855, नर्स के 2600, LT के 1425, फॉरेस्ट गार्ड के 1218, सहायक लेखागार के 165 जो भर्ती हैं वो लंबित हैं। समूह गौ परीक्षा का समय घट सकता है, तो उत्तराखंड आदि सेवा चयन आयोग की लिखित परीक्षाओं का समय अब 2 के बजाय 1.5 घंटा तय हो सकता है। 1 दिन में 3 पालियों की परीक्षा कराने के मकसद से आयोग परीक्षा अवधि कम करने की तैयारी कर रहा है। आयोग के बोर्ड में प्रस्ताव रख दिया गया है। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी के मुताबिक रेलवे सहित केंद्र सरकार की कई भर्ती परीक्षाओं में 1.5 घंटे की समय सीमा पहले से लागू है। इस मॉडल का अध्ययन कर लिया गया है।
प्रस्ताव आयोग के बोर्ड के सामने रखा गया है, जिस पर जल्द निर्णय होने की उम्मीद है। मूल्यांकन प्रक्रिया को मजबूत बनाया जा रहा है। लेखपाल पटवारी भर्ती के अलग मानक पर सवाल, तो लंबे समय बाद हो रही पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन मंगलवार से शुरू हो रहे हैं। बेरोजगारों ने दोनों पदों के लिए शारीरिक मानक एक समान करने की मांग की है। पर्वतीय क्षेत्रों में काम करने वाले पटवारी के लिए आयोग ने अधिकतम आयु 28 तय की है। साथ ही फिजिकल के दौरान 1 घंटे में 7 किलोमीटर रेस की अनिवार्यता तय की है। मैदानी क्षेत्रों में कार्यरत लेखपालों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 तय की गई है। देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम गंडवाल के मुताबिक कोविड के कारण कई विश्वविद्यालय में पिछले साल की फाइनल ईयर की परीक्षाओं के रिजल्ट जारी नहीं हो पाए हैं, इनको भी मौका मिले। उपनल कर्मचारी एक और आंदोलन की तैयारी में, तो कोरोना काल में हटाए गए कर्मचारियों को दोबारा बहाल न करने और समान कार्य समान वेतन पर फैसला न होने से उपनल कर्मचारी सरकार से नाराज हैं। वहीं देहरादून से खबर है, 18 लाख की धोखाधड़ी में 3 गिरफ्तार, तो इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर कराकर मोटी रकम दिलाने का झांसा देकर 18.56 लाख रुपए की ठगी में शामिल 3 आरोपी बिंदाल चौकी पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। युवती का सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर अश्लील फोटो डाली, तो युवती का फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर उससे पीड़िता के परिचितों को अश्लील संदेश भेजे गए। वहीं रुपए की जरूरत पर स्टेटस लगाया, साथ ही नशे का सेवन करने जैसी फोटो बनाकर डाल दी। पीड़िता को पता लगते ही वो डिप्रेशन में चली गई। इसे लेकर उसने साइबर थाने में शिकायत की। शिकायत पर पटेल नगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। UPI पेमेंट अटकी तो झांसा देकर 1.5 लाख ठगे, तो UPI के जरिए बिजली बिल का भुगतान करते वक्त ट्रांजेक्शन अटक गई, खाते में रकम कटी और बिजली का बिल जमा नहीं हुआ। तो पीड़ित महिला ने गूगल पर कस्टमर केयर नंबर सर्च किया, वहां से लेकर जो नंबर उन्होंने डायल किया वह ठगों का था। उनके कहे अनुसार ऐप में करती गई तो खाते से अलग अलग ट्रांजेक्शन में 1.5 लाख रुपये कट गए। वही खबर है, मसूरी से अवैध बंदूक और शराब संग एक धरा गया है। राज्य आंदोलनकारी राजभवन और CM आवास कूच करेंगे, तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने घोषित कार्यक्रम के अनुसार शहीद स्मारक में एक वर्चुअल बैठक आहूत की। बैठक में 14 जुलाई को राजभवन मार्च पर 8 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का निर्णय लेने का फैसला लेने पर सहमति बनी है। बेरोजगारों ने दी संघर्ष की चेतावनी, तो बेरोजगार डिग्री धारक लैब टेक्नीशियन की ऑनलाइन बैठक रविवार को हुई। उन्होंने कहा कि लैब टेक्नीशियन संवर्ग की नियमावली में सरकार की ओर से संशोधन नहीं किया गया, जिसकी वजह से लैब टेक्नीशियनों की हजारों पदों पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है। देवाश्रम बोर्ड के खिलाफ बेमियादी धरना आज से, तो देवभूमि तीर्थ पुरोहित हककुधारी महापंचायत के आह्वान पर सोमवार से 4 धामों में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू हो जाएगा। कोविड कर्फ्यू दून के व्यापारी खुश, मसूरी के खफा, तो बाज़ार खोलने की नई SOP से व्यापारियों में राहत है। दून के व्यापारी सप्ताह के 5 दिन बाज़ार खोलने पर संतुष्ट दिख रहे हैं, हालांकि मसूरी के दुकानदार खफा हैं। उन्होंने पर्यटकों के नज़रिए से वीकेंड पर बाज़ार खोलने की मांग उठाई है, हालांकि रेस्टोरेंट और होटल व्यवसायी राहत महसूस कर रहे हैं। नशे की दलदल में फंसी किशोरी को भर्ती कराया, तो मदर्स एंजल चिल्ड्रन सोसाइटी और वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन संस्था ने 16 वर्ष की नाबालिग किशोरी का रेस्क्यू किया है। नशे की लत लगने पर बालिका घर छोड़कर चली गई थी, उसे अब पुलिस DLSA और बाल आयोग की मदद से नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया है। देहरादून में आज युवाओं को टीके के लिए महाअभियान, तो देहरादून में युवाओं को कोरोना टीकाकरण का वैक्सीन मिलते ही स्वास्थ्य विभाग ने महाअभियान छेड़ दिया है। रविवार देर रात सोमवार के लिए जिले में 91 केंद्र बनाए गए, जिन पर 16,250 युवाओं का टीका लगेगा। देहरादून को मिली 37,000 वैक्सीन, तो देहरादून जिले में वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर है। जिले को रविवार को कोविशील्ड की 32,000 एवं कोवैक्सीन के 5,000 डोज मिल गए हैं। जिले को रोजाना 15,000 वैक्सीन लगाए जाने का लक्ष्य मिला है। यात्रियों को बिना टिकट ले जा रही बस पकड़ी, तो परिवहन निगम की सचल दस्ते ने रविवार को 19 यात्रियों को बिना टिकट यात्रा कराने वाले बस को पकड़ लिया है।
कुमाऊं विश्वविद्यालय अब डिजी लॉकर पर मिलेंगे प्रमाण पत्र। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने कोरोना काल में विद्यार्थियों के लिए सभी कार्य ऑनलाइन कर दिए हैं। इसी कड़ी में विश्वविद्यालय ने छात्र छात्राओं के लिए डिजी लॉकर की सुविधा शुरू कर दी है। जल्द दूर की जाएगी पेंशन संबंधी विसंगतियां। तो मुख्यमंत्री नरसिंह रावत ने कहा कि जल्द ही पेंशन से संबंधित विसंगतियों को दूर किया जाएगा। प्रदेश में आज से खुलेंगे कॉलेज। तो प्रदेश में गर्मियों की छुट्टी के बाद आज से सभी सरकारी कॉलेज खोल दिए जाएंगे। योग से शारीरिक और मानसिक रूप से दे सकते हैं स्वस्थ। तो मुख्यमंत्री नरसिंह रावत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। प्रदेश में आज से रोज 1,10,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो तैयारी तेज। राज्य के पास अभी उपलब्ध है 4,00,000 वैक्सीन की डोज। बागेश्वर रेल लाइन का प्रारंभिक सर्वे पूरा। तो रेलवे बोर्ड ने टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का प्रारंभिक सर्वे पूरा कर लिया है। महाराष्ट्र में मिला वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट इम्यूनिटी को दे सकता है धोखा। तो देश में कोरोना की तीसरी लहर की चिंता के साथ महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित मरीजों के मिलने से अफरा तफरी मच गई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने रविवार को बताया कि वायरस का डेल्टा प्लस वेरियंट डेल्टा रूप B.1.617.2 का आक्रामक रूप है। संभव है कि ये इम्यूनिटी को आसानी से धोखा दे सकता है। विदेश जाना है तो प्राथमिकता पर लगेगा कोरोना का टीका। तो 28 दिन के बाद लग सकेगा वैक्सीन की दूसरी खुराक। तो नौकरी पढ़ाई या दूसरे किसी कार्य से विदेश जाने वाले लोगों को दून में भी प्राथमिकता के आधार पर कोरोना का टीका लगेगा। ऐसे लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्हें इसकी दूसरी खुराक भी 28 दिन के बाद कभी भी लग सकती है। दिल्ली के लिए आज से चलेगी शताब्दी एक्सप्रेस। तो देहरादून नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस का संचालन आज से शुरू किया जाएगा। इसको लेकर के रेलवे प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। टोटियों के हिसाब से आएगा पानी का बिल। तो अब तक छोटे बड़े उपभोक्ताओं से एक समान बिल वसूलने वाला जल निगम अब जल संस्थान की तर्ज पर टोटियों के हिसाब से पानी का बिल वसूलेगा। उपभोक्ताओं की आपत्ति के बाद जल निगम ने इस संबंध में बिल बनाने वाली कंपनियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। इस फैसले के बाद करीब 8,000 उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। वहीं देहरादून से खबर आई, जमानत पर छूट कर निकाला जुलूस, वीडियो वायरल होने पर मुकदमा। तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोपी को जमानत मिली तो उसने समर्थकों के साथ जुलूस निकाला। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र में सैकड़ों लोगों के साथ निकाले गए इस जुलूस से फिर सौहार्द बिगाड़ने की आशंका पैदा हो गई। इंटरनेट से कस्टमर केयर का नंबर लेना पड़ा भारी। तो देहरा खास की महिला को लगी 1,50,000 रुपये की चपात। युवक की संदिग्ध हालत में मौत, हत्या की आशंका। तो नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। हालांकि अभी पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई। वही खबर है, मसूरी से मास्क नहीं पहनने पर 43 के चालान काटे गए। वन्य जीवों की हत्या का आरोपी मसूरी से गिरफ्तार। तो अवैध बंदूक और शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया गया है। रिटायर्ड फौजी ने पत्नी का सिर फोड़ा गिरफ्तार। तो सेला कोई से खबर है, थाना पुलिस ने पत्नी के सिर पर डंडे से जानलेवा हमला करने के आरोप में रिटायर्ड फौजी को गिरफ्तार किया है। 5 दिन बाजार खोलने की घोषणा से व्यापारी खुश। तो सरकार ने सुबह 8 से 5 बजे तक बाजारों को खोलने का निर्णय लिया है। होटल रेस्टोरेंट खोलने से मसूरी में सैलानियों को राहत। तो मसूरी में मंदी की मार झेल रहे होटल व्यवसायियों के चेहरे खिले नजर आए हैं। लच्छीवाला फ्लाईओवर पर आवाजाही रोकी गई है। वहीं बारिश से सुबह झमाझम बारिश, दिन भर चटक धूप। तो दून में छाए रहेंगे बादल, बारिश की संभावना। मंगलवार और बुधवार को निकलेगी चटक धूप। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने 25 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए ऑफिस वेबसाइट पर जाकर के 30 जून से 29 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं नर्सिंग प्रोफेशनल के लिए बेहतरीन मौका। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 2,800 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 30 जून से 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में बम्पर भर्ती, जल्द करें आवेदन। तो 10,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकली हुई है IBPS के द्वारा। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के
28 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं डिप्लोमा ट्रेनी के पदों पर करें आवेदन तो 20 पदों पर भर्ती निकली हुई है, इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 8 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। ऋषिकेश में तीसरे दिन कम हुआ गंगा का जलस्तर। 16 अशासकीय महाविद्यालयों ने नहीं ली राज्य विश्वविद्यालय से संबद्धता, तो महाविद्यालयों को शासन की ओर से दिए गए थे निर्देश। आज वर्चुअल शिविर से योगाभ्यास करेंगे साधक, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां पूरी की गई हैं। बारिश से पहाड़ की 206 सड़कें बंद, थमा जनजीवन, तो जगह जगह आया मलबा, कई जगह ढही सुरक्षा दीवार और पुस्ता आवागमन की समस्या बनी हुई है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे के साथ ही 87 सड़कें बंद हो गई हैं। टिहरी में 47 सड़कों पर यातायात अवरुद्ध हो गया। यमुनोत्री हाईवे खरादी में 8 घंटे के बाद खुला। रुद्रप्रयाग में 40 संपर्क मोटर मार्ग बंद हो गए हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर यातायात को बहाल किया गया, तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तीसरे दिन यातायात पूरी तरह से बहाल हो गया। देवाल में 4 मकान और स्कूल का 1 कक्ष बहा। वहीं सिमली रोड पर आवाजाही से दिक्कत आ गई है। बारिश में बड़ा टिहरी झील का जलस्तर, तो लगातार हो रही बारिश से टिहरी झील का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। मंदाल नदी में बहने से महिला की मौत हो गई, तो कोटद्वार से खबर है। रिकड़ी खाल ब्लॉक के ग्राम डोबरिया रथुआ ढाब निवासी एक महिला की मंदाल नदी में बहने से मौत हो गई। मलारी हाईवे को जोड़ने वाली वैली ब्रिज को खतरा बना हुआ है, तो लगातार बारिश से ऋषि गंगा उफान पर है। दशहरा पर्व पर गूंजे माँ गंगा के जयकारे, तो गंगोत्री धाम में कोविड गाइडलाइन के साथ तीर्थ पुरोहितों ने सादगी से मनाया गंगा पर्व। फादर डे से पहले ही छीन गया सिर से पिता का साया, तो टीरी से खबर आई है। आज जहां सारी जगह फादर्स डे का उल्लास है, वहीं प्रताप नगर ब्लॉक के सौंदी गांव में एक बच्चे के मुंडन से पहले ही उसके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए छीन गया। गांव में हुकम सिंह के घर पर उसके बेटे के मुंडन के लिए पूजा की तैयारी चल रही थी, तभी अचानक करंट लगने से बच्चे के पिता की मौत हो गई। नई टीवी से खबर है, कंधे पर बंदूक रखकर शराब बेच रहा व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। पाली गांव में खाली घर में घुसा गुलदार, तो कीर्ति नगर से खबर आई है। 11 साल बाद भी नहीं हो पाया 415 परिवारों का पुनर्वास, तो बांध प्रभावित को पुनर्वास के लिए जमीन ढूंढना विभाग के लिए टेढ़ी खीर बना है। चंबा टीवी से खबर है, विकास कार्यों के लिए 7 करोड़ का बजट पारित किया गया। घनसाली से खबर आई है, संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली विवाहिता, तो भिलंगना ब्लॉक के खीरबेल सेमा गांव में एक विवाहिता के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कर्णप्रयाग से खबर आई, फेसबुक आईडी हैक कर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है, तो बेटे के इलाज के नाम पर 4 किस्तों में मांगे थे 1 लाख रुपये। शरणार्थी देश की नहीं विश्व की समस्या, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लॉ की ओर से विश्व शरणार्थी दिवस पर वर्चुअल कार्यशाला हुई। 7 राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 184 सड़कें बंद, तो कुछ सड़कों को आंशिक रूप से खोला गया। चारों धामों में आज से शुरू होगा धरना प्रदर्शन, तो देवस्थान बोर्ड भंग करने की मांग, सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए किया हवन। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, तो गंगा दशहरा पर बारिश और कोविड की चिंता छोड़ हरिद्वार पहुंचे यात्री। सुबह हर की पेड़ी जाने से रोका, दोपहर बाद आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। गंगा दशहरा पर कोरोना के खात्मे के लिए यज्ञ किया गया। हरिद्वार में योग दिवस की पूर्व संध्या पर योग करती योगाचार्य। दूसरे दिन भी हुई मूसलाधार बारिश, तो 2 दिन में हरिद्वार में 48 mm बारिश दर्ज की गई। वही खबर है, हरिद्वार से युवक से 1,80,000 रुपये की धोखाधड़ी, केस दर्ज किया गया, तो पावर बैंक ऐप में किया था निवेश, श्यामपुर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार से खबर है, तांबे के तार चुराने वाला पकड़ा गया है, दिव्यांग युवक के साथ मारपीट, तो हरिद्वार से खबर है, चेक बाउंस होने पर आरोपियों को मिले नोटिस के बाद उन्होंने दिव्यांग युवक के साथ मारपीट कर दी, पीड़ित ने कनखल थाने में मुकदमा दर्ज किया है। चंपावत से खबर आई है, तड़ी गांव में मछली का तालाब ध्वस्त, 800 मछलियां बह गई।
बारिश से 22 से पेयजल योजनाएं टूटी तो पेयजल आपूर्ति न होने से लोग परेशान रहे। सीमांत गांव में राशन का संकट, कई गांवों में बिजली भी नहीं है तो परेशान लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। वहीं खबर है बागेश्वर से रेल लाइन का प्रारंभिक सर्वे पूरा हो गया। पिथौरागढ़ से खबर है जिले में 7 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। सड़क नहीं खुली तो बढ़ जाएंगे फल सब्जियों के दाम, तो पीलीभीत मंडी से आती है पिथौरागढ़ के लिए फल सब्जियां। ठग राजस्थान से गिरफ्तार, भाई फरार। तो टनकपुर से खबर आई है फैंटेसी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ठगी करके कई राज्यों को लगाता था चूना। चरस तस्करी के आरोपी पुलिस कर्मी का वारंट जारी, तो चरस तस्करी का मास्टरमाइंड प्रदीप 13 जून से भूमिगत है। वही खबर आई है नहीं खुल सका अल्मोड़ा घाट मार्ग, तो मकड़ाऊ के पास टूटा NH। अल्मोड़ा जिले में 10 ग्रामीण मार्ग बंद हैं। नदी में बहे व्यक्ति का शव बरामद, विनोद नदी में शनिवार शाम बहे 51 वर्षीय व्यक्ति का शव रविवार सुबह घटनास्थल से करीब 7 किलोमीटर दूर गली गांव के पास नदी से बरामद हो गया। गरुड़ में 47, कपकोट में 40, बागेश्वर में 35 मिलीमीटर बारिश हुई। कपकोट में बिजली और संचार सेवा बाधित हो गई है। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की, तो हफ्ते में 5 दिन बाजार खोलने के आदेश से व्यापारियों के खिले चेहरे। तालाब में तब्दील हुई कुरमांचल कॉलोनी, तो 2 घंटे की बारिश से जल भरा हुआ। गड्ढा युक्त सड़क पर धान रोप कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। गंगा दशहरा पर कोसी में